भी आने वाली हैं, उनका हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं आज छोटी सी बात लीना कपूर। हाय, हाय, हेलो सर, हेलो एवरीवन, मैं हूँ रिजवान कलशान और आप देख रहे हैं न्यूज़ जून 24। और आज हमारे साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत ही गॉर्जियस मिस लीना कपूर हमारे साथ मौजूद है। लीना कपूर से थोड़ी बहुत बातचीत आपके साथ। तो सबसे पहले हमारा सवाल है लीना कपूर से, मिस लीना आप इंडस्ट्री में कब से आई और क्या आपका ड्रीम रहा इंडस्ट्री में आने के लिए, क्या आपका मोटो रहा? मेरा ड्रीम एक्चुअली कुछ था नहीं पहले, और मेरी किस्मत मुझे इस इंडस्ट्री में लेकर आई है। और मैं मतलब स्कूल में थी जब मैं बुगी उगी का फर्स्ट शो जो है सोनी चैनल पे आता था, उसके विनर रह चुकी हूँ। उसके बाद जब कॉलेज गई तो मैं फ्रेशर बन गई, ऐसे धीरे धीरे मुझे ऑफर आने लग गई और मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, पैसे अच्छे मिलने लगे मुझे मॉडलिंग के, तो मैं इसमें ऐसे घुसी कि मुंबई आके पहुँच गई। सो फाइनली जैसे कि मिस लीना ने अभी बताया कि एक्सीडेंटली ये इसमें आई है, बुगी उगी से इन्होंने सोनी टीवी से इन्होंने स्टार्टिंग की है, तो पास तो हमने जान लिया है, लेकिन अभी इनकी अपकमिंग मूवीज अपकमिंग प्रोग्राम्स क्या क्या हैं चलिए जानते हैं। अभी मेरी मूवी रिलीज़ हुई थी वजह तुम हो, और अभी जैन में रिलीज़ हुई है हसीना की, एंड अभी मैंने एक मूवी की है गुल मकई, और तीन और प्रोजेक्ट करने जा रही हूँ। वैसे तो मैंने बहुत सारी मूवीज़ की हैं, आपने देखा होगा बरखा, मधुशियाँ, क्रिकेट, बहुत सारी साउथ की भी की हैं, और हसीना जो है अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है, और वजह तुमने मैंने एक गाना भी किया था माही वे मोहब्बत सचियाँ भी, इट्स अ वेरी फेमस, उसका फर्स्ट सॉन्ग जो था वो मलाइका अरोड़ा ने किया था और सेकेंड मैंने किया था। वजह तुम हो जैसे कि आपने ये जो सॉन्ग है माही वे, ये बहुत आपको सुनने को मिलेगा, हर जगह सुनने को मिलेगा। सो मिस लीना से हम जानना चाहते हैं कि ये गाना करके आपको कैसा लगा और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा उसमें? इस गाने में मेरे साथ में जरीन खान है, जिन्होंने सलमान के साथ बहुत मूवीज़ की हैं, आपने देखा ही होगा, और मेरे जो डायरेक्टर थे विशाल पांड्या, जिन्होंने मुझे चांस दिया इस गाने के लिए, उनकी अभी पिक्चर आ रही है हेट स्टोरी 4, उन्होंने फर्स्ट सेकेंड पार्ट सारे पार्ट उन्होंने किए हैं, और मेरी मूवी जो थी वजह तुम हो उनका भी वही मतलब डायरेक्टर थे, तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे डायरेक्टर के साथ, मेरे को स्टार के साथ शर्मन जोशी के साथ, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये एक्सपीरियंस तो आपको पता चल गया है। अभी इनकी जो दूसरी मूवी आने वाली है हसीना और गुल मकई, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, हसीना में आपका क्या करेक्टर था और कितना करेक्टर था? मेरा हसीना में ऑफकोर्स मैं हसीना ही थी। ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है जनवरी में, फिर रिलीज़ हुई है, या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और जिस टाइम पर मतलब मेरी मूवी रिलीज़ थी उस टाइम मैं बॉम्बे में नहीं, मैं कश्मीर में थी अपनी शूटिंग कर रही, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, रिजल्ट बहुत अच्छा मिला मुझे, ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और गुल मकई जो है मेरी बहुत अच्छी एक स्टोरी है, रियल स्टोरी है, रियल बेस, और उसके अंदर मैंने जो प्ले किया एक टीचर का रोल किया। तो गुल मकई जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, गुल मकई एक लड़की मलाला यूसुफ जई जो कि पाकिस्तान से थी, एजुकेशन के ऊपर उसने आवाज़ उठाई, उसके ऊपर गोलियाँ वोलियाँ चली, उसको वर्ल्ड में पहली सबसे कम उम्र की लड़की है जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, उसके ऊपर रियल बेस्ड ये मूवी बनाई गई है, और वुमन एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं इसमें है, और जैसे कि लड़कियाँ आगे बढ़ती हैं, गर्ल्स आगे बढ़ती हैं, अपना नाम कमाती हैं, हमारे साथ मौजूद है मिस लीना, तो ऐसे ही फीमेल्स आगे बढ़ती हैं लेकिन उनको बहुत रोका जाता है, बहुत अड़चने आती हैं, उसका उसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं कि कैसे कैसे उसको फेस किया आपने, आपके सामने भी आई होंगी, लोगों के सामने आती हैं, और जो यूथ है जो गर्ल्स है जो आगे बढ़ना चाहती हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? यस, यू आर राइट, मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम्स हुई जब मैं मॉडलिंग कर रही थी, तो मेरे फैमिली से इशूज बहुत हुए, मैं एक सरदार फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो उसके अंदर तो मतलब रोकना तो होता नहीं बट टोंट बहुत मारती है फैमिली, मतलब मेरी फैमिली से बिल्कुल कट ऑफ हो गया था, 2 साल तक मैं मेरी फैमिली से बात नहीं करती थी और ना वो लोग मेरे से बात करते थे, मैं बहुत डिप्रेशन में भी रही इस चीज़ को लेकर, बट नाउ इज सेटल, जब होता है ना कि आप कुछ कर जाते हो इंडस्ट्री में आके तो ऑफकोर्स आपका दुश्मन भी आपको अपना लेता है, तो फैमिली ने भी अपना लिया था मुझे, और एक लड़की को आगे बढ़
पढ़ने से पता नहीं क्यों रोका जाता है, जब ये इंडस्ट्री बनाई गई है जिसमें बिना फीमेल ये इंडस्ट्री चल नहीं सकती, तो क्यों लड़कियों को रोका जाता है आगे बढ़ने से? सोच बदलो तभी तो देश आगे बढ़ेगा। मिस लीना ने बहुत अच्छी बात कही कि सोच बदलो देश बदलेगा। सबसे पहले ज़रूरत है सोच बदलने की, तो सोच बदलो देश बदलेगा। ये बात एक स्लोगन की तरह से सबके दिमाग में आनी चाहिए कि सोच बदलो देश बदलेगा, लड़के को आगे बढ़ने देना चाहिए। और दूसरी चीज़, जैसे कि इंडस्ट्री में लोग ज़्यादातर डरते हैं अपने लड़के को इंडस्ट्री में भेजने से, इंडस्ट्री में लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार, इंडस्ट्री लड़कियों के साथ कैसा ट्रीट करती है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। इंडस्ट्री की जितनी अफवाह उड़ी गई है कि इंडस्ट्री में आके लड़की को मिसयूज़ किया जाता है या स्पॉइल किया जाता है या उनको काम नहीं दिया जाता और उनको कॉम्प्रोमाइज इस तरीके की उनको बोला जाता है, ये बात मैं मानती हूँ कि थोड़ी सच है। पर अगर आप टैलेंटेड हो और आपको खुद के ऊपर विश्वास है कि आप कर सकते हो विदाउट एनी लाइक कोई भी आपको अगर कुछ ऑफर कर रहा है या मिसयूज़ कर रहा है, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप कहीं भी मिसयूज़ नहीं हो सकते। मुझे भी ऐसा नहीं है, मुझे भी मेरे स्ट्रगल टाइम में मुझे भी बहुत ऑफर दिया गया कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो आपको ये मिलेगा। मैंने वेट किया, मैंने स्ट्रगल किया, अब मेरा टैलेंट मेरा स्ट्रगल मेरी मेहनत से आज मैं यहाँ हूँ। तो ये सोच बदलनी चाहिए इंडस्ट्री को लेकर कि इंडस्ट्री में आओ तो लोग मिसयूज़ करते हैं, कोई किसी को मिसयूज़ नहीं करता और एक लड़की के अंदर इतना तो लीना कपूर के कहने का मतलब है इंडस्ट्री में कोई शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, मेहनत से सब कुछ मिलता है, जिसको शॉर्टकट चाहिए उसको इंडस्ट्री निकाल के सकते हैं। इतना हद तक सही बोला, आपने बिल्कुल पूरा सच बोला है कि इंडस्ट्री में शॉर्टकट नाम की चीज़ नहीं है। और जो लोग अगर ऐसा करते हैं, मैं नहीं कहती हूँ कि नहीं करते हैं इंडस्ट्री में, जो लोग करते हैं वो कहीं भी नहीं दिखते, जो मेहनत करते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं। जैसे कि लड़के इंडस्ट्री में आना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन उनको नहीं पता कैसे आए और इंडस्ट्री से लोग डरते भी हैं, इंडस्ट्री में मिसयूज़ हो जाते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे उनको मोटिवेट करना चाहते हैं? इंडस्ट्री से पहली चीज़ तो डरो मत, अगर खुद पे विश्वास है कुछ करके दिखाना चाहते हो तो कुछ सोचो मत, आ जाओ स्ट्रगल करो मेहनत करो, आपको एक ना एक दिन आपको आपके स्ट्रगल का फल तो ज़रूर मिलेगा। तो मैं कहना चाहूँगी कि आपको नहीं रुकना चाहिए, अगर आप ये सोच रहे हो कि इंडस्ट्री में मिसयूज़ किया जाता है या फ्रॉड होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं इंडस्ट्री में हूँ, सलमान खान इंडस्ट्री में है, शाहरुख खान इंडस्ट्री में है, उन्होंने भी स्ट्रगल किया है, शाहरुख ने इतना स्ट्रगल करके मतलब वो आज शाहरुख खान बना है। तो अगर मिसयूज़ होना होता तो उसका भी हो जाता, बट आज वो खान है, मतलब पूरा इंडस्ट्री का मतलब एक हेड है, तो मुझे नहीं लगता कि मिसयूज़ होता है। थैंक यू मिस लीना, आपसे मुझे बहुत अच्छा।